नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत पांडे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रंजीत में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूँ। दोस्तों, पॉलिनोमियल्स को स्टडी करने के पहले आपने क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी कर चुके होंगे। How to add, how to subtract, how to multiply and how to divide the algebraic expression. आपने factorize भी आपने algebraic expressions के factorization भी आपने किए होंगे। दोस्तों, आज हम study करने वाले हैं class 9th topic polynomials. दोस्तों, यदि हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एन एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो कंडीशन ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो जहाँ पे a0, a1, a2, a minus, an minus 1, an are constant and a is not equal to 0. Okay? In one variable. यहाँ पे जो variable use किया है, one variable, then it is called a polynomial in one variable. ठीक है? इस algebraic expression के form में, जो a0 है, a1, a2, ए एन माइनस वन ए एन दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों, आपको बता दूं, ए जीरो ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू जीरो एक्स रेस टू एन सॉरी एक्स रेस टू वन x raised to 2, x raised to n minus 1 and x raised to n. ठीक है, यहां पे जो a0, a1, a0 किसका कोएफिशिएंट है? x raised to 0 का। a1 किसका कोएफिशिएंट है? x raised to 1 का। a2 किसका कोएफिशिएंट है? x raised to 2 का। वैसे ही हम कह सकते हैं an minus 1 किसका कोएफिशिएंट है? x raised to n minus 1 का। और ए एन किसका कोएफिशिएंट है? एक्स रेस टू एन का। क्लियर? अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहां पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो आपका आंसर होगा एन। ओके, एन इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, सो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ओके, इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, ओके, इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर, देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म है। देखिए, ए एन एक्स रेस टू एन फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म आपको दिख रहा है ए एन ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स ए जीरो। दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कैसे करते, हाउ टू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल। एक चीज जो डिग्री होगी वेरिएबल की, वो क्या होगी? होल नंबर में होगी। ठीक है, आइए दोस्तों मैं आपको पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करके बताता हूं। ओके, सो पॉलिनोमियल कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सो पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल इज क्लासिफाइड एज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आइए दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल यहां पे लिख के दे रहा हूं आपके सामने. यहां पे देखिए एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू सिक्स, और विल राइट एक्स ओनली, देन टू एक्स माइनस वन, देन आई विल राइट हियर हंड्रेड, हियर आई विल राइट भाई एक्स ही क्या बिगाड़ा है, कुछ वाई भी ले लेते, वाई प्लस टेन, देन टू वाई रेस टू फोर माइनस हंड्रेड वाई स्क्वायर माइनस सिक्स. क्लियर? सो दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखे हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स कुछ लिख के रखा हूँ मैं यहाँ पे, और हम क्लासिफाई करने वाले हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ मोनोमियल, मोनोमियल, देन सेकेंड वन इज बायनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. ठीक है. अच्छा, मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म हो, कितने टर्म हो, वन टर्म हो, इफ टर्म वन हो, ओनली वन टर्म, तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे. यदि किसी भी पॉलिनोमियल में टू टर्म हो तो उसे हम बायनोमियल बोलेंगे. यदि किसी भी पॉलिनोमियल में हमारे पास थ्री टर्म्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल कैसे पहचानेंगे हम लोग. मान लीजिए हमारे पास सिर्फ अगर एक टर्म होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल. दो टर्म होंगे तो बायनोमियल, और थ्री टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल. तो इस प्रकार से हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं. तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप बोलेंगे कि ये क्या है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे. दिस इज मोनोमियल, एक ही टर्म है यहाँ पे, यहाँ पे दो टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल. यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक दो तीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स. यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, दो ही टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल. यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल. यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ही टर्म है 100, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल. यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने टर्म्स हैं, एक और दो, तो दो टर्म है तो ये भी क्या होगा, बायनोमियल होगा. यहाँ पे देखिए एक दो तीन, कितने टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे. सो दोस्तों, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये क्लासिफिकेशन है किसका, पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. तो लिख ले मोनोमियल में क्या क्या आया हुआ था, चलिए बोलिए, एक्स स्क्वायर, उसके बाद से क्या आया हुआ था, एक्स, उसके बाद से क्या आया हुआ था, 100. ठीक है, ये मोनोमियल में आ जाएंगे. बायनोमियल में हम क्या लिखने वाले हैं, जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होंगे उसको हम बायनोमियल बोलेंगे. तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बायनोमियल में आएगा,
उसके बाद से हमारे पास एक्स रेस टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल में आएगा। फिर हमारे पास टू एक्स माइनस वन, ये भी हमारे पास बाइनोमियल में आएगा। फिर हमारे पास वाई प्लस टेन, ये भी हमारे पास बाइनोमियल में आने वाला है। क्योंकि बायनोमियल का मतलब ही क्या होता है, दो टर्म्स। जब हमारे पॉलिनोमियल में सिर्फ दो टर्म्स हो तो उसको हम बायनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल यानी क्या होगा, जिसमें थ्री टर्म्स हो। तो दिख जाएगा हमारे पास थ्री टर्म्स, एक दो तीन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। उसके बाद से हमारे पास है जो ट्राइनोमियल है, टू वाई रेज टू फोर माइनस हंड्रेड वाई स्क्वायर माइनस सिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम बात करने वाले डिग्री के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर मान लीजिए वेरिएबल की डिग्री जीरो होगी, देन अगर मान लीजिए डिग्री क्या होगी, जीरो, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, उसकी डिग्री क्या हो, जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यहां पे देखो हमारे पास 100 है, 100 को मैं क्या बोलूंगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल यूज होगा, देखिए 100 कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, अगर x रेस टू 0 लिया तो x रेस टू 0 क्या होता है, 1। x रेस टू 0 क्या होता है, 1। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 100 इंटू 1। सो 100 इंटू 1 क्या होगा, 100। बात समझ में आ रही है आपको कि 100x रेस टू 0। तो आपको पता है कि एनीथिंग रेस टू 0, अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में या किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 100 को 1 से, तो आपके पास 100 आएगा। ठीक है, तो ये 100 कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। और जब मैं पूछूंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 0। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता दोस्तों है? तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि हाउ वी कैन क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पॉलिनोमियल्स है उसको डिग्री के बेस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, 0 डिग्री है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जितने भी नंबर को आप जानते हो, सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अगर मैंने बोला 100 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जो 100 की डिग्री होगी कितनी होगी, 0 होगी। कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हंड्रेड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 100 को हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, 100x रेस टू 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 100x रेस टू 0, यानी x के पावर में कितना आया, 0 आया। x के पावर में 0 आने की वजह से क्या हो गया, 100 इंटू एक्स के पावर में 0 यानी 1, तो 100 वन ज़ा 100, यानी 100 जो है ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जो वेरिएबल की डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 0 आने वाली है। ठीक है, यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, वो सारे के सारे जो नंबर होंगे उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा, और उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। यदि डिग्री 1 होती है, अगर डिग्री 1 है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री क्या हो, पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लीनियर पॉलिनोमियल में 2x माइनस 1, यहाँ पे जो x है
एक्स जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है, वन है, इसलिए हमने इसको किसके अंडर में लिखा हुआ है, लीनियर पॉलीनोमियल के। यहाँ पे एक्स की भी डिग्री कितनी है, वन। यहाँ पे वाई की डिग्री कितनी है, वन। तो ये जितने भी वन वाले डिग्री वाले हैं इनको हमने लीनियर पॉलीनोमियल बोला है। हंड्रेड क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, इसलिए हमने इसको कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल में लिखा है, क्योंकि 100 की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, जीरो। इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज जीरो देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, अगर मान लीजिए डिग्री टू हो, अगर डिग्री टू हो हाईएस्ट डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यदि वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना हो, टू, तो यहां पे मैंने देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ये जो तीनों मैंने एग्जांपल्स यहां से लिखा हुआ है, इसमें से ये जो तीनों एग्जांपल हैं आप देख सकते हो कि तीनों में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की कितनी है, टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुए। अब थर्ड, अगर डिग्री कितनी हो, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, थ्री, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अगर किसी भी पॉलीनोमियल की, अगर किसी भी पॉलीनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, थ्री होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो देखिए, हम मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिख रखा है क्यूबिक पॉलीनोमियल का, एक्स क्यूब प्लस थ्री। यहाँ पे जो x वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी दिखाई दे रही है, थ्री दिखाई दे रही है, थ्री मीन्स क्यूबिक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। उसके बाद से अगर डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना हो, फोर, अगर किसी भी पॉलीनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज फोर, उसे हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो यहां पे बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, यहां से ही लिखा है मैंने, 2y^4 माइनस 100y² माइनस 6। यहां पे जो y वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4, कितनी है, 4। सो अगर डिग्री ऑफ द वेरिएबल, if highest degree of the variable is 4, then this will be the example of biquadratic polynomial. उसको क्या बोलेंगे हम लोग, biquadratic बोलेंगे। ठीक है, so ऐसे हमने देखा classification of a polynomial on the basis of the terms monomial, binomial and trinomial, on the basis of degree constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है दोस्तों, सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ नाइस डे।